सबसे पहले तो मैं आज मेरे सिरसा वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज नई संवत और नवरात्रों की मैं मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सदियों पुराना मेला नया संवत का बाबा सरसाईनाथ के यहाँ लगता है और आज के दिन पूरा जिला, पूरा सिरसा आज बाबा जी के चरणों में शीश नवाता है, आशीर्वाद लेता है, प्रसाद ग्रहण यहाँ करते हैं। बाबा जी का सरसाईनाथ, बाबा जी का सिरसा का बसाया हुआ है, सिरसा का नाम बाबा सरसाईनाथ से मिला है और आज बाबा जी का बहुत आशीर्वाद रहता है पूरी सिरसा की जनता पर और आज पूरे सिरसा की जनता आज बाबा जी के चरणों में शीश नवाती है, आशीर्वाद लेती है। उसी के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पीछे सिरसा आए थे, जो सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है उसका भी नाम बाबा सरसाईनाथ के नाम से रखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं और आज सभी को मैं मेरी तरफ से एक बार फिर नए संवत नवरात्रों की बाबा सरसाईनाथ के मंदिर की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो जी, इतिहास ये है, बाबा जी का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के इतिहास के अंदर भी है। सिरसा का नाम है महाभारत के अंदर, 5000 वर्ष पूर्व पहले की बात है। और यहाँ तो बड़े बड़े इतिहास है बाबा के, जैसे शाहजहाँ का लड़का, उसके लड़के को जीवन दान मिला यहाँ पे, और ख्वाजा पीर है उसको चमत्कार दिखाया बाबा जी ने। और यहाँ तो हर रोज नित्य नए नए चमत्कार होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा का, याद करो और प्रमाण पाओ। सिद्ध पीठ है जी बाबा, बाबा का बहुत तप किया हुआ है, ये तपोसतली है, संतों का स्थान है, ये संतों की नगरी है, धर्म धार्मिक नगरी है, धर्म का प्रचार ज़्यादा होता है यहाँ पे। सिद्ध पीठ है जी, ये सारे हिंदुस्तान में, ऑल वर्ल्ड में मशहूर है और सिद्ध है। बाबा को याद करो, तुरंत पर्चा पाओ। दूसरा यहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है, सिद्ध पीठ है वो भी, वो देवी माता बाबा की सिद्ध करी हुई है। और सिद्ध पीठ हिंगलाज माता को मन से याद करो और हर मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। आप कितने वक्त से यहाँ सेवा कर रहे हैं और आपके जिस वक्त में आप सेवा कर रहे हैं, कितने लोगों के जो जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा? मैं तो थोड़े दिनों से आया हूँ, लेकिन मेरे से पहले बहुत पुजारी रह गए यहाँ पे, उन्हीं का यही सवाल है, उन्हीं का यही मत है। और यहाँ पे जो गद्दीसीन है बाबा सुंदरायनाथ जी, उन्हीं का भी यही मत है। इनसे पहले बलकाईनाथ जी थे, इनसे पहले और थे, इनसे पहले और थे, गद्दीसीन बहुत संत होकर के गए हैं, लेकिन इसमें मेन रोल बाबा सुंदरायनाथ जी का सबसे अहम रोल है। भाई वो संत एक और प्रवृत्ति के थे, ये संत और प्रवृत्ति, इन्होंने मंदिर की कायाकल्प कर दी जी। पहले सारा सिस्टम यहाँ कच्चा था, ना जंगले थे, ना जोड़ी थी, ना खिड़की थी, ना दरवाजा था, कुछ नहीं था। बाबा जी ने अपने तन मन धन से अपनी सारी जिंदगी मंदिर के सिरसा शहर वालों के नाम कर दी और अब मंदिर का स्वर्ग बना दिया। सारे मंदिर में पत्थर लग गया जी और बढ़िया सिस्टम के दरवाजे लगे हुए हैं और दिन रात बाबा जी तपर अभी तक मंदिर में वैसी उसी तरह से काम कर रहे हैं जी। बाहर से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो देख के बड़े प्रसन्न होते हैं जी। मंदिर को बहुत सुंदर बना दिया जी, मंदिर हमारे सिरसा की याद बना दी और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और आप लोगों की भी होगी जी। अगर इसको आगे करोगे तो आप लोगों की भी होगी। बोलो सरसाईनाथ जी महाराज। हर वीरवार को सवामणि लगती है यहाँ पे चूरमे की, हर वीरवार को सवामणि लगती है चूरमे की। अगर किसी भाई की, किसी बहन की कोई मन्नत पूरी होती है वो सवामणि लगाता है, तो इसलिए हर वीरवार को मेला लगता है, यहाँ सारा शहर आता है जी और इर्द गिर्द के गांव है, वहाँ के भक्तजन भी आते हैं और लोग आकर के यहाँ बाबा की मन्नत मानते हैं, उनकी मन्नत बाबा पूरी करते हैं, उसके बाद बाबा जी की स्वामणी लगाते हैं हर वीरवार को। जिनके नाम पर ये मंदिर है और सिरसा कहते हैं उन्हीं के नाम पर बसाया गया, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। उनके बारे में ये है जी, पहले कोई कारणवश इस सारी नगरी का पतन हो गया था जी, नगरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, कुछ नहीं बचा था, कोई ऐसी आपदा आई
तो उसके बाद बाबा जी ने पुनर्निर्माण करा जी नगरी का इसका। बाबा जी ने ये नगरी बसाई हुई है सिरसा शहर की। तो बाबा जी के नाम पे सारंगनाथ पीर बाबा सरसाईनाथ जी नाम है, इनके नाम पे सारंगनाथ पीर बाबा सरसाईनाथ जी के नाम पे सिरसा नाम रखा गया जी। बाबा जी के नाम पे सिरसा नगर बसाया गया है, इसलिए इसका नाम सिरसा है। और सिरसा नगरी बाबा सारंगनाथ पीर बाबा सरसाईनाथ जी के नाम पे बसाई हुई है। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान और मैं तो मानने की पूरे विश्व के अंदर आज का दिन बहुत खुशी का दिन होता है। इस दिन बाबा जी का सरसाईनाथ जी का जन्मदिन मनाया जाता है। रात्रि के पहले दिन बाबा जी का सम्मत होता है और पूरे शहरवासी पूरे सरसा शहर पूरे गांव के और अपने शहर के आसपास के हर कोने के लोग बाबा जी के सरसाईनाथ जी बाबा जी के यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और समाज में धूप लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही शहरवासियों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। ये भाई हिंदू इसके बारे में हिंदू बस बाबा जी तो 36 जातियों की बिरादरी को एक मानते थे और वो तो कहते भी जात बात कुछ नहीं है उनको और पूरी अच्छी तरह से भेदभाव कभी कुछ नहीं रखा उन्होंने। सिरसा का नाम बाबा सरसाईनाथ जी ने जब सिरसा बसाया था और अपना नाम दिया बाबा जी ने, अपना नाम देके सिरसा की स्थापना की जो आज तक भी चल रही है। और सिरसा के अंदर यह भी वचन दिया था भी कोई भी आपदा सिरसा शहर के अंदर आसपास भी नहीं आएगी।